इस वीडियो में दिखाए गए सारे स्टंट्स काल्पनिक हैं और अक्षय कुमार की देखरेख में किए गए हैं। दर्शकों से अनुरोध है, इसे घर पर ट्राई ना करें। अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। S21 फैन एडिशन करीब मैं 6 महीने से यूज कर रहा हूँ और इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है इसकी हीटिंग इशू। मतलब ये फोन इतना गर्म होता है कि मैं आपको डेमोज दिखाता हूँ। सपोज आपको पानी गर्म करना है, आपको गैस जलाने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपना फ़ोन इसमें डाल दीजिए और थोड़ी देर के बाद आपका पानी गर्म हो जाएगा। सपोज़ आपको कपड़ा प्रेस करना है, आपके घर में आयरन नहीं है, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करना है, जस्ट सिंपली यूज़ योर फ़ोन और थोड़ी देर के बाद आपका कपड़ा प्रेस हो जाएगा। सपोज़ आपको ठंड लग रही है और आपको गर्मी चाहिए लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है। आई एम सॉरी, ये डेमो हमें स्किप करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो है मेरी फैमिली भी देखती है और हो सकता है मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल दें इसके लिए। सोचना भी नहीं चाहता। बेसिकली आई होप यू गॉट द आइडिया, द पॉसिबिलिटीज दिस फोन कैन क्रिएट ऑफ इट्स हीटिंग इशू इज लिमिटलेस। लेकिन फिर बात आती है कि उन लोगों का क्या जिनको इनसे प्रॉब्लम है। तो इसके लिए पिटारे से मैं लेकर आया हूँ 4 ऐसे सॉल्यूशंस जो ना आपने कहीं देखा होगा ना कहीं सुना होगा। तो सॉल्यूशन नंबर 1, ये सॉल्यूशन उनके लिए है जिनके घरों में एसी है। इसमें आपको एसी के सामने खड़ा होकर फ़ोन चलाना है। इससे होगा क्या, एसी की ठंडी हवा आपके फ़ोन पर लगेगी और आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा। इस सॉल्यूशन के एडवांटेजेस ये हैं। फर्स्ट, इंस्टेंट कूलिंग, क्योंकि एसी की ठंडी हवा डायरेक्ट आपके फ़ोन पर पड़ रही है तो आपका फ़ोन गर्म नहीं होने वाला, आपको तुरंत इंस्टेंट कूलिंग मिलेगी। फ़ोन खड़े होकर चलाने से आपकी फिजिकल फिटनेस जो है बनी रहेगी, एकदम टकाटक मस्त रहने वाला है। ये फ़ोन एडिक्शन को भी कम करता है क्योंकि ज़्यादातर आप फ़ोन खड़ा होकर चला नहीं पाएंगे। अगर इस सॉल्यूशन के कॉन्स देखें तो पहला है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका इतना आने वाला है कि हो सकता है जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देखें आपको दिल का दौरा पड़ जाए और आपकी जान जा सकती है। ऐसे खड़े होकर अगर आप फ़ोन चलाएंगे एसी के सामने तो हो सकता है घर के लोग आपको पागल समझें और घर से आपको निकाला भी जा सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। लोकोमोशन आपको इसमें नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपका एसी एक ही जगह पर फिक्स रहता है, तो आपको भी एक ही जगह फिक्स होकर फ़ोन को चलाना होगा, तो आप फ़ोन को लेकर कहीं जा नहीं सकते। दूसरा सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये उनके लिए है जिनके घरों में एसी तो नहीं है लेकिन फ्रिज है। अब इसमें 2 वेरिएशन है। पहला वेरिएशन ये है कि इसमें आपको फ्रीजर को खोलकर फ्रीजर के अंदर फ़ोन चलाना है। ये भी एसी की तरह सिमिलर ही है, इसमें भी आपको फ्रीजर की ठंडी हवा डायरेक्ट फ़ोन पर पड़ेगी और आपका फ़ोन ठंडा होगा। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें भी आपको मिलती है इंस्टेंट कूलिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल एज़ कम्पेयर टू एसी बहुत कम आने वाला है। फिजिकल फिटनेस आपकी इसमें भी बनी रहेगी क्योंकि आप फ़ोन खड़े होकर चला रहे हैं, ये भी फ़ोन एडिक्शन को थोड़ा सा कम करता है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो चूंकि आप फ्रिज को ओपन करके फ़ोन अपना यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिज में रखे हुए आपके सारे फूड खराब हो जाएंगे। लोकोमोशन आपको इसमें भी नहीं मिलेगा, जहाँ पर फ्रिज है आपको फ़ोन वहीं पर रहकर चलाना होगा या यूज़ करना होगा, इसमें भी लोग आपको पागल समझ सकते हैं। अगर इसमें वेरिएशन 2 की बात करें तो ये थोड़ा सा अच्छा है वेरिएशन 1 से। इसमें क्या है कि आपको मोबाइल को पहले यूज़ करना है, ठीक है, जैसे आपका फ़ोन गर्म हो जाए आप फ़ोन को फ्रीजर के अंदर डाल करके 10 मिनट छोड़ दीजिए। ये 10 मिनट का यूज़ आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। जनरली मैं ये 10 मिनट का यूज़ ओवर थिंकिंग के लिए करता हूँ। 5 साल बाद अगर तेज नहीं खाओगे जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बना के देंगे, हंसेंगे लोग, क्या बनेगा बड़ा होकर, कैसे बनेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया, क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें आपको एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आने वाला है। फ्रिज आपका जो यूज़ हो रहा है बस आप उसमें अपना फ़ोन रख रहे हैं। फ़ोन एडिक्शन को ये भी कम कर देता है बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू एसी, क्योंकि आपको 10 मिनट फ़ोन चलाना है और फिर 10 मिनट फ़ोन फ्रिज में रखना है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें या कॉन्स की अगर बात करें तो अब तक तो मुझे इसमें कोई भी कॉन्स नज़र नहीं आया है। हालांकि एक है, अगर आप फ़ोन बहुत गंदे तरीके से यूज करते हैं कि आप 1 मिनट फ़ोन के बिना रह नहीं सकते तो हो सकता है कि आपको दौरा पड़ सकता है क्योंकि आपको 10 मिनट बिना फ़ोन के रहना है। तीसरा सोल्यूशन उन लोगों के लिए है जिनके घर में ना तो एसी है ना तो फ्रिज है। उनको बेसिकली करना ये है कि आप मार्केट जाइए और थोड़े से पैसे खर्च करके बर्फ़ खरीद करके लेते आइए। इसको यूज आपको कैसे करना है, सिंपली फ़ोन को बर्फ़ के ऊपर रखिए, 2-3 रबर बैंड लगा दीजिए और अपना फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट करिए। इससे आपको कूलिंग मिलते रहेगी और फ़ोन आपका गर्म नहीं होगा। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो आप जहां मर्जी वहां फ़ोन बैठकर चला सकते हैं, लोकोमोशन इसमें आपको मिल जाएगा, फ़ोन को आप कहीं भी ले करके जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो थोड़े से आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, नॉट पॉकेट फ्रेंडली, फ़ोन को आप पॉकेट में डाल नहीं पाइएगा क्योंकि फ़ोन के साथ साथ आपका बर्फ भी है।
इसके लिए आपको अपने साथ एक कैरी बैग लेकर चलना होगा ताकि आप जहाँ जहाँ जाएँ अपने साथ फ़ोन को अपने साथ लेकर जा सकें। और जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि जहाँ जहाँ आप बर्फ़ लेकर के जाएंगे वहाँ वहाँ पानी गिरेगा, तो आपको अपने साथ एक पोछा भी रखना है ताकि साथ ही साथ पोछा मारते चलें। ना चौथा सोल्यूशन उन लोगों के लिए है जिनके घरों में ना तो एसी है ना तो फ्रिज है और ये पैसे भी खर्च नहीं कर सकते बर्फ़ खरीदने के लिए, तो इनको क्या करना है? इनको बेसिकली करना ये है कि ठंडा पानी लेकर के आइए, चापाकल से लेकर के आ सकते हैं आप अगर घर में चापाकल है, तो मोटर चला करके पानी निकाल सकते हैं वहाँ से आप अगर मोटर है तो, ठीक है। करना क्या है बेसिकली, आपको इसमें पानी के अंदर आपको अपना फ़ोन डाल देना है। इससे होगा क्या, फ़ोन आपका बहुत हद तक ठंडा रहेगा। इसका एडवांटेजेस पहले मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बताता हूँ। फ़ोन को जैसे आप पानी में डालेंगे आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, टच काम नहीं करेगा। अब एडवांटेज बताता हूँ, जब टच काम नहीं करेगा दैट मीन्स आपके पास टाइम ही टाइम है, कुछ भी कर सकते हैं आप। UPSC के लिए ISYS में जनरली मैं इस टाइम का यूज़ अपने माँ बाप के साथ बैठ कर बिताता हूँ, उनसे बात करता हूँ। बात करने पे पता चला कि वो लोग भी बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब बेसिकली मुझे पाल रहे हैं बचपन से। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। फोन एडिक्शन को तो ये ख़त्म ही कर देगा क्योंकि यूज़ ही नहीं कर पाएंगे आप। तो आई होप ये चार सॉल्यूशंस आपको बहुत धमाकेदार लगे होंगे। जैसा मैंने कहा था, ये सॉल्यूशन ना आपने कहीं देखा होगा ना कहीं सुना होगा। और अगर आपको लगता है कि आपका ये 10 मिनट मैंने बर्बाद किया है बेसिकली, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर आप वीडियो में एक बार भी कहीं पे भी आपने अगर मुस्कुराया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही वीडियो में, तो नहीं बोलूँगा, ऐसी वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ जनरली। आई होप फ्यूचर में हो सकता है मैं दोबारा बना दूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस। अब तेरे बिना